Flop. Yani ki alles. Lust. Yani ki lalsa. Hatred. Yani ki nafret. Gussa, krodh, akrosh. Envy, yani ki irsha, jealousy. Ego, yani ki ahankar. Lekin, in saat mahapapon ke upar jeet hoti hai to sirf achhai ki. I'm
हेलो एवरीवन, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे इस स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिला। इन रियल लाइफ हीरो से मिलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सम्मान है। मैं चाहूंगी कि सभी सम्मानित हीरोज और हमारे सभी एंकर्स एक बार प्लीज स्टेज पर आ जाएं। थैंक यू। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो सोना बनके पत्थर है पिघला ना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। मुश्किलों से मुस्कुरा के और संघर्षों से देखो सलाम, सावधान इंडिया सम्मान। सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। Come on, music! ओ भाई टॉयलेट चला नहीं है, ये कौन है अला लाइट देख। मुझे डर लग रहा है। अरे डरो मत, मैं हूं ना। ए बुड्ढे क्या बोल रहा है, डरो नहीं। चले बुढ़िया, निकाल निकाल जो भी है, निकाल जो भी सामान है निकाल के दो। चलो
आवाज बुलंद की। ऐसे तरीके इजाद किए जिसे देश का द फेमस कोरियोग्राफर गीता कपूर जी बिग हैंड थैंक यू। गीता डांसर वेलकम गीता जी। हेलो नमस्ते। आपसे गुजारिश है गीता जी कि हमारे जूनियर हीरोज का अवार्ड आप अनाउंस करें। सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीवन एंड लाइफ ओके और सावधान को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर डूइंग द वर्क दैट यू आर डूइंग और हमें यहाँ पे बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो ऑनर्ड दैट यू थिंक आई मीन जूनियर हीरो को हम यहाँ बुलाने वाले हैं। उसकी कहानी जानकर US के प्रेसिडेंट ओबामा एंड हिज फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा भी खुद को उनसे मिलने के लिए अपने आप को रोक ना पाए थे। तब उस बच्ची को सबने कहा लकीस्ट गर्ल इन इंडिया, लेकिन ये लक उसे लक से नहीं मिला है। 14 साल की छोटी सी उम्र में उसकी शादी तय कर दी गई थी एंड जिस गांव में वो रहती हैं वहाँ के लिए ये बहुत ही आम बात है, वहाँ की परंपरा का हिस्सा। ये बात वहाँ की परंपरा के हिस्सा एक जस्ट पार्ट ऑफ द लाइफस्टाइल। बच्चे तो छोड़िए, वहाँ के बड़ों ने भी बाल विवाह के खिलाफ कभी अपनी जुबान नहीं खोली थी, लेकिन इस बच्ची ने आवाज उठाई, हिम्मत दिखाई और लकी बन गई। और इसने ना सिर्फ अपनी शादी रोकी बल्कि बच्चों बचपन बचाओ आंदोलन इस संस्था से जुड़कर इसने देश भर में कई गांवों में जा गुड़ियों से खेलने के उमंग धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। धन्यवाद। धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए, आपने हमारा सम्मान बढ़ाया। पायल जो आप करते हो ना मुझे करना नहीं आता, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ जो आप करते हो। हिम्मत वाली बात है, है? आप सिखाओगे थोड़ा सा डांस? आप भी सिखा दो यार। सिखा देंगे। क्या बात है, आज पायल सिखाएंगे और हम सीखेंगे। हाँ रेडी? क्या बात है। मेरा फेवरेट गाना है चिटिया का लैया। चिटिया का लैया। हम कौन होते हैं रोकने के? बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले तो पायल को बहुत 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 बधाइयाँ। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू कि जो इन्होंने किया है हम सब में इतनी हिम्मत नहीं है और हम सबको इनसे इस छोटी सी बच्ची से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। एंड इट्स ग्रेट टू बी हियर, इट्स लवली बीइंग एट दिस लवली प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।
एंड आपकी फिल्म भी आने वाली है, दो लफ्जों की कहानी। जी बिल्कुल। सो आपको मैं बताना चाहेंगे दो लफ्जों में कि दो लफ्जों की कहानी क्या है। बिल्कुल, सिर्फ दो लफ्जों में बताऊंगी। बहुत ही प्यारी सी कहानी है एंड जैसे ही सावधान इंडिया आम लोगों की के बारे में है, जैसे आम लोग अपने परिवारों को अपने लव्ड वंस का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मेरी स्टोरी मेरी फिल्म की स्टोरी बहुत ही दो आम इंसानों के बारे में है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं एंड इट्स अ लवली स्टोरी। ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है तो आप प्लीज उसे देखने जरूर जाइए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर। थैंक यू, प्लीज। और बैटरी भी लेके आ जा। बंद करो, हेलो, चेक चेक चेक, बंद करो, बंद करो, समय खाने बंद करो भाई। हेलो, एक मिनट यार, एक मिनट, बंद करो। एक क्या है, ये पढ़ो मुझे लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए। ए, तुमको स्मार्टफोन क्यों चाहिए? अरे यार, तुम मुझे नहीं चाहिए, तुमने लिखा है यार। गुडी बाबा दादा, ए देखो, चल बिना बंद करो, बंद करो, सवाई खाने बंद करो। अरे यार, लेकिन आप क्यों बंद करो? ए चलो बोला ना, बंद करो, हम बोल रहे हैं। भाई साहब आराम से, समझे, आराम से। गुडी बाबा ऐसा? हाँ। ए बंद करो, बंद करो, थोड़ा सा करता है। ए देखो बंद करो, ये तो हमारा आंदोलनकारी है ना, इधर तोड़फोड़ कर देगा, मारामारी करेगा। ऐसा आंदोलनकारी कौन करेगा तोड़फोड़, मैं भी देखता हूँ सबको। आंदोलन ए क्या, हमेशा ऐसा करता है, हमको आगे करते ना पीछे से भाग जाता है। ए लेकिन हम डरेगा नहीं, हम अकेला खड़ा रहेगा, आंदोलन करेगा। बंद करो फंक्शन, बंद करो। अरे यार बंद क्यों, बंद करो क्यों? आम बोलता है इसलिए बंद करो। तुम हो कौन बंद करवाने वाले यार? आमी कौन? आमी? हाँ? आमी आंदोलनकारी, आमी महान आंदोलनकारी। चल बेना बोला ना, बंद करो, चलो इधर से। अरे यार इनफ हो गया, बंद करो, मतलब क्यों क्यों चाहिएगा तुमको, क्यों बंद करो? ए आमी इतना महान आंदोलनकारी, तुमने हमारा कथा सावधान इंडिया में काय को नहीं दिखाया? और नहीं दिखाई देते कोई बात नहीं, हमको सावधान इंडिया का सम्मान क्यों नहीं दिया? हमको सावधान इंडिया का सम्मान चाहिए। चलो ओके, समझ गया सर, आपकी प्रॉब्लम समझ गया, आपको सम्मान चाहिए। कुछ करना पड़ता है भाई साहब सम्मान के लिए। हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन हमने ट्राई किया है। देखो लेकिन हमको किंतु पता है कि आप लोग कोशिश करने वालों को भी सम्मान देता है, तो हमको सम्मान चाहिए, क्यों नहीं दिया? वेरी सॉरी सर, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ये पूरी टीम की गलती है, पता नहीं कैसे छूट गया, किसने छोड़ा आपको? हाँ, I mean, चलिए ठीक है, हम कोशिश करने वालों को भी सम्मान देते हैं, लेकिन अगर आपने समाज की रक्षा के लिए कुछ जुर्म के खिलाफ कुछ किया है, तो क्या किया है आपने, क्या ट्राई किया बताइए। दादा हमने बहुत बड़ा काम किया है, हमने आंदोलन किया है, हमने हेल्थ के लिए आंदोलन किया है, हेल्थ के लिए। वेरी गुड, कैसे किया? हमने दादा बड़ा बड़ा पेड़ है ना काट दिया, हमने बड़ा बड़ा पेड़ जंगल है ना काट दिया, पेड़ काटो आंदोलन किया हमने। क्या दिमाग खराब है क्या? पेड़ काटो कोई आंदोलन होता है? पेड़ काटोगे सिर्फ पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, आदमी नहीं मर जाएगा पेड़ काटने से? दादा तुम एजुकेटेड ना कि पेड़ काटने से पेड़ मरेगा, आदमी कैसे मरेगा? ठीक है भाई साहब, मैं आपको नहीं समझा सकता, चलो अच्छा बताओ, पेड़ काटने से आप हेल्थ तक कैसे गए? देखो दादा, पेड़ काटेगा ना तो लकड़ी सस्ता होएगा, लकड़ी सस्ता होएगा ना तो बेड सस्ता होएगा, बेड सस्ता होएगा ना तो हम लकड़ी का बेड के ऊपर सोएगा, तो हमारा कमर का दर्द दादा ठीक हो जाएगा। तो पेड़ काटो आंदोलन से कमर का दर्द ठीक होगा दादा, हेल्थ का आंदोलन है। आप महान है भाई साहब, बहुत ही दूर की सोची आप, लेकिन इसके लिए सम्मान नहीं दे सकते हम आपको, ये सेल्फिश काम है, अपनी कमर का सोच रहे हो, उसके लिए सम्मान चाहिए तुम्हें? दादा कमर का दर्द तो सबको होता है ना, बड़ा को, बुजुर्ग को, बच्चा को, सबको, तुमको है, हमको है, सबको कमर का दर्द है दादा, तो हमने सबका बारे में सोचा, हमने आंदोलन किया। क्या फालतू बात कर रहे हो आप, इस सबके लिए सम्मान मान हम नहीं दे सकते, आप प्लीज जाइए। ये नहीं तो हम दूसरा ऑप्शन देते ना दादा, हमने और एक आंदोलन किया, पानी बर्बाद करो आंदोलन। सच में किया आपने? हाँ, पानी बर्बाद करो आंदोलन। आदमी हो तुम, क्या हो आदमी है दादा? पानी बर्बाद किया, इसके लिए जूते पड़ने चाहिए तुमको, तुमको सम्मान चाहिए इसके लिए? दादा उसके लिए तो किया, क्या है पहले हमारे पास ना जूता चप्पल नहीं था, तो हमने आंदोलन किया, पानी बर्बाद करो, नल वाल सब छोड़ दिया, पानी बर्बाद हो गया, लोगों ने हमको जूता चप्पल मारा, हमने बोला देखो एक चप्पल जूता नहीं मारने का, दोनों मारने का, दोनों मारो, लोगों ने दोनों जूता चप्पल मारा दादा, आज हमारे पास जूता चप्पल का चार दुकान है।
भाई साहब अगर आप इसी स्पीड से चलते रहे तो आपकी 8 दुकान हो जाएगी, ऑडियंस भी इसी तैयारी में वेट कर रही, जूते चप्पल मारेंगे। बेशरम आदमी हो तुम, निकलो यहाँ से। दादा आंदोलन करने का तो बेशरम होना पड़ता है, हमने 100 आंदोलन किया, 100 सेंचुरी बनाया, बेशरम होकर क्या? हमने देखो, हमने टूथपेस्ट के अगेंस्ट आंदोलन किया, हमने साबुन के अगेंस्ट आंदोलन किया। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? सफाई से कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें? सफाई से प्रॉब्लम नहीं दादा, लेकिन टूथपेस्ट में नमक डालने कौन बोला? साबुन में मलाई डालने कौन बोला दादा? उसके वजह से नमक और दूध और मलाई का रेट कितना बढ़ गया दादा, पता है? आम आंदोलन किया। अरे यार मैं नहीं समझा सकता तुमको यार, तुम क्या ये नॉनसेंस है? कोई बात नहीं, हमको सम्मान चाहिए, साउथ इंडिया का सम्मान चाहिए, हम तुमको और ऑप्शन देते हैं आंदोलन का। हमने और भी आंदोलन, अरे ओ भाई साहब आंदोलन का ही बिल पड़े, तुम क्या ही आंदोलन किया? साड़ियों की दुकान खोली है, ये पसंद नहीं आया जी, बोले लो, वो नहीं है, बोले लो, मैचिंग वाला ले लो। दादा देखो देखो, अभी अगर हमको सम्मान नहीं दिया ना, हम इधर मारामारी करेगा, मारामारी तोड़फोड़ करेगा, हम बोलता है। अरे यार मारामारी में क्यों उतर तुम? तुमने बोला हमको, क्या बोला तुम? बोलता है मारामारी करने का, मारामारी करेगा। अरे मैंने कब बोला यार मारामारी के लिए? मैंने तुम अपना हर एपिसोड में बोलता है फाइट बैक, कभी महाराष्ट्र फाइट बैक, पंजाब फाइट बैक, आंध्रबंदी को बढ़ तक गया तो कोलकाता पीछे कैसा रहेगा? बाबू मोशा फाइट बैक करने के लिए बोलते हैं, वायलेंस करने के लिए नहीं बोलते हैं, जुर्म के खिलाफ आवाज उठाओ, अब बातचीत का समस्या का हल निकल सकता है आपस में बैठ करके, ये बोलते हैं। हमारे खिलाफ फाइट करो यार, ये थोड़ी बोलते हैं। फाइट बैक का मतलब ये, हम इतना एजुकेटेड समझा कैसे नहीं? कोई बात नहीं दादा, हाँ माफी मांगता है, गलती हो गया। नहीं नहीं आपको मैं समझाता हूँ, एक मिनट। अभी क्या ये जो हम बोलते हैं सावधान इंडिया में भाई के वायलेंस नहीं करिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए, वो बहुत जरूरी है, हर समस्या का बातचीत से हल निकाला जा सकता है, यही समझाते हैं हम। फिर भी नहीं समझ में आता तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप लोगों के लिए एक आइटम है, वो आप आइटम देखिए, आप उससे समझ जाएंगे, और आप लोग टेलीकास्ट के दिन देखिएगा, और आपको मैं समझाता हूँ, ऐसे लोगों को अक्सर कोने में ले जाकर समझाना पड़ता है। कोने में दादा, कोने में क्या को? ना हमारे यहाँ एक खास टीम आई है जो उनको समझाना बहुत अच्छी तरह आता है। कौन सी टीम दादा? एक रेड ब्रिगेड टीम है। रेड ब्रिगेड? हमारा आरती उतार के समझाएगा? हाँ, नई लैंग्वेज, एक फिजिकल लैंग्वेज ही जात की है। और दादा वो जब समझाते हैं तो आदमी को ऐसा समझ आता है कि नस नस में आंदोलन हो जाता है। हम अगले सम्मान के रणदीप हुड्डा। जो इनकी कहानी है, जो इनके साथ बीता, हम कहते हैं कि मेरा भारत के लिए हरबंस स्वागत है सावधान इंडिया से, ये मेरे ख्याल से उनकी बहुत बड़ी हौसला अफजाई होगी और उन सब के लिए बहुत 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 मुबारक और बहुत थैंक यू। थैंक यू रणदीप, थैंक यू जी। अवेयरनेस इज द बिगेस्ट थिंग, आई थिंक जो ये शो काम कर रहा है, आपको गर्व होता है, आपको इस तरह के फंक्शन में अच्छा लगता है, आपको लोगों को आप अवेयर करा रहे हैं, लोगों में हिम्मत दे रहे हैं, लोगों को पॉसिबिलिटीज दिखा रहे हैं, लोगों को एक हीरो की नई डेफिनेशन दे रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। जो आगे आके जिसने मदद की, कॉन्फिडेंस हो गया है मुझे कि नहीं अब मुझे आवाज उठानी चाहिए है अवेयरनेस से, तो आई एम श्योर आज से अभी से अगर आप ऐसा कुछ देखेंगे आपके साथ होगा, आप जरूर कुछ करेंगे। शुक्रिया। नमस्कार नमस्कार भाइयों बहनों दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ के, कमाल का शो है ये, तालियां ही बजाते हैं, पैसा भी फेंकते हैं, लेकिन उस हीरो के पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है,
उसको जो जबान वो जो डायलॉग बोल रहा है, उसकी जो कहानी है, उसके पीछे एक राइटर होता है जो लिखता है, उसकी लाइनें लिखता है, उसके डायलॉग लिखता है, उसकी कहानी लिखता है। एक म्यूजिक डायरेक्टर होता है जो उसकी बातचीत पे, उसके हाव भाव पे, उसके चाल चाल ढाल पे जो है म्यूजिक बजाता है पीछे से। एक डायरेक्टर होता है जो उसकी कहानी को संवारता है। लेकिन क्या ये वाकई हीरो है? असल जिंदगी का नायक जो होता है उसकी कहानी कोई दूसरा नहीं लिखता, वो खुद अपनी कहानी लिखता है। उसको जबान देने वाला कोई दूसरा नहीं होता, वो खुद अपनी जबान ढूंढता है। उसके चलने फिरने पे कोई म्यूजिक नहीं बजता, लेकिन उसके अंदर एक म्यूजिक होता है जो बजता रहता है। एक ड्राइव होती है उसकी, एक जज्बा होता है, वही उसका म्यूजिक होता है, और वो पीछे नहीं हटता और वो चलता रहता है, और वही अपना डायरेक्टर होता है। तो ऐसे हीरो को हमें हर दौर में हीरो की परिभाषा जो है बदलती रहती है, और हमें लगता है कि हीरो की परिभाषा हमें ठीक से समझना चाहिए कि असल हीरो कौन है। ऐसे ही हीरो एक अजीत सिंह जी हैं जिनको मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। प्लीज़ वेलकम अजीत सिंह जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अजीत सिंह जी, जरा इनको बताइए कि किस बात ने आपको प्रेरित किया, क्या ऐसी चीज थी जिससे वो लौ आपके अंदर जागी, वो म्यूजिक आपके अंदर जागा कि आप इस सफर पे निकल पड़े? सच कहिए तो 17 साल की उम्र में अभी दुनिया देखी नहीं होती है आदमी, वो कुछ अंदर ही था। लोग कहते हैं कि किसको देखकर आपके अंदर दिमाग में आया, वो मेरे अंदर से खुद आया। और वो डेफिनेशन ऑफ लाइफ, व्हेन यू स्ट्राइक इट, वो आपको क्लिक कर जाता है। और जिस दिन आप अपने जीवन की परिभाषा अपने अंतर यात्रा से खोज लेते हो आप, तब आपको दुनिया की कोई चीज विचलित नहीं कर सकती है। क्या बात है? अजीत जी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि जहां जहां रोशनी फैलाई है अपनी इस हिम्मत से, अपने इस जज्बे से, अपने इस हौसले से। अजीत जी, आपकी फैमिली में कौन कौन है और क्या क्या? जब मैंने विषय चुना और मैंने सोचा कि इस पर काम करना, तो ये नहीं समझ में आता था, 88 की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब तो मुझे नहीं मालूम था कोई इस देश का मामला था, तो ये नहीं समझ में आता था कि उसका मैं सांप का मुंह पकड़ूं, कि पूंछ पकड़ूं, सांप के पक्ष में बोलो तो भी दिक्कत थी। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये थी, और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी सोच में आती है, ढंग से आपको सब देखता है कि आपने कितना बड़ा जुर्म कर दिया है। और ये सब आई बीन अटैक, गोलियों से मुझे इतनी डर नहीं लगता जितना मैं परेशान हुआ था उस वक्त जब ये दौर चल रहा था। वैसे ये नहीं, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये नहीं कि अभी वो सब खत्म हो गया है, लोग पीठ ठोक देते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छा कर रहा है, अब ये है वो है, लेकिन आपके साथ वहाँ घुसकर काम करने के लिए, रिस्क लेने के लिए, अभी भी आज भी जब मैं समझता हूँ सेक्स ट्रैफिकिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत बड़ा दुनिया का सबसे ज्वलंत मुद्दा बन चुका है, फिर भी लोग सामने आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो जो आपने दिखाया अभी, वो जो आप एक जो बॉम्बे में जो हुआ महिला के साथ कोई नहीं आया, तो मैं मुझे कुछ आश्चर्य नहीं हो रहा है उस चीज को, लेकिन आपको चलते रहना। देखिए ये एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, कबीर चले, बुद्ध चले, और उसी मैं तो उसको कड़ी मान के चलता हूँ, कबीर बुद्ध नहीं बन रहे, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे तक बात खत्म भी नहीं होगी, एक प्रक्रिया चलनी चाहिए, आगे एक बटन आगे हम दुनिया में पकड़ा सके। और मैं समझता हूँ दिल से काम करने की जरूरत है, दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, और एक 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 पागलपन, और उस दिल से मैं काम, आज भी मैं दिल से ज्यादा काम करता हूँ, गेट फूल्ड मेनी टाइम्स, लेकिन मजा कभी कभी एंजॉय करता हूँ मैं, जो आदमी बेवकूफ बना रहा है आपको मैं एंजॉय करता हूँ, सोचता है एक्टिंग स्मार्ट, लेकिन यू एंजॉय दैट थिंग ऑल्सो। और मैं आपको बताऊँ कि वो जो दीवानगी और जो पागलपन होता है ना, जब दिल से आप काम करते हो तो पागल होकर काम करते हो, ज्यादा जोड़ घटाना नहीं करता, ज्यादा तर्क और बुद्धि ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं होती,
और वहीं आप एक बच्चे जैसे सवाल भी उठाते हो और एक सवालिया संस्कृति हम लोगों को जीवंत रखना पड़ेगा साथियों, एक नए समाज का सृजन करने के लिए, नए का निर्माण करने के लिए सवाल उठाना पड़ेगा। और इस समाज में कोई भी रिश्ता हो, चाहे मियां बीबी का रिश्ता हो, अगर ना के लिए कोई जगह नहीं है, सवाल उठाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं आपको बहुत कुरूप है, बहुत ही कुरूप समाज बन जाएगा साथियों। अजीत सिंह जी, आपका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। बचपन से एक चीज जो हमेशा करने निकलता है तो उसको सबसे पहले यही बताया जाता है, अरे छोड़ो यार, कहां पढ़ रहे हो, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा इस देश का, कुछ नहीं बदलेगा। ऐसे लोगों का कैसे सामना करते हो, कैसे जवाब देते हैं, ये आप मुझे बताओ। देखिए, ये जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं ना, पीएचडी किए हुए लोग, वो ज्यादा बोलते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि नॉलेज और विजडम के फर्क को समझिए। बुद्ध और कबीर ने, बुद्ध, कबीर, मोसेस, जीसस, चाहे जो भी हो, किसी ने हार्वर्ड से पीएचडी नहीं किया था, उन्होंने अंतरात्मा अंतर यात्रा की और उनके एक एक कपलेट पर पीएचडी हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये समझने की जरूरत है बहुत ध्यान से कि, और यही 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 ताकत है, जब विजडम की, ये नहीं कि आप, एक प्रक्रिया है, कभी कोई वाइज बन नहीं सकता, एक प्रक्रिया होती है, उसमें चलते रहो, अपनी खोज करते रहो, और मैं समझता हूँ वही सबसे बड़ी ताकत है। और जिस दिन आप उस यात्रा पर गुजर चले जाओगे, उस दिन आप सिर्फ इंसानों से नहीं, सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है, हर पक्षी से, नदी से, नाले से, हर चीज से मोहब्बत हो जाएगी, रास्ते चलते चौराहों पर चुंबन करते हुए चलोगे आप। क्या बात है, जोरदार तालियां अजीत सिंह जी के लिए, हमारे सारे फाइटर्स के लिए, आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। I am honored to share this game with you. We all are honored. Thank you. Thank you. Thank you so much. Irfan ji, aapki ek nayi movie aa rahi hai. Trailer kaafi zoron se viral hua pada hai uska. Aisa suna hai, maine bhi dekha hai. Aur usme ab yahan se main thoda mujhe dhyan aaya ki jaise inhone kaha ki bhai ek lakshya ho aur chalte chalo, chalte chalo. Andar music baj uthega. आपका जो ट्रेलर देखा उसमें भी ऐसा लगा आपका जो किरदार है उसका भी कुछ एक ही लक्ष्य है, वो एक धुन में, कुछ उसके बारे में जरा बताइए। वो भी एक्चुअली बहुत आम इंसान है जो सिस्टम को कभी, उसे सवाल उठाने का उसने कभी सोचा भी नहीं। वो एक मामूली सी, जैसे 125 करोड़ लोग हैं, उतना ही आम तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, जो उसको बताया जा रहा है वो सुन लेना चाहता है, और एक उसका परिवार है उसको वो खुश रखना चाहता है। एक अच्छा नागरिक है, जिसे बोलते हैं अच्छा नागरिक, बट उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जहां उसको सवाल उठाना पड़ता है। और वो जैसा कि अजीत सिंह जी ने कहा कि आपको बच्चों की तरह सवाल कई बार आपको उठाना पड़ते हैं, और बच्चों की तरह सवाल उपजते हैं आपसे, आप सोच समझ के नहीं उठाते, आप अपनी अकल से नहीं उठाते, वो एक ऑर्गेनिक सवाल है जो आपके, आपकी शख्सियत से निकला है, वो पूछना चाहता है। जब वो सवाल पूछता है तो उसको जवाब नहीं मिलता, और जब जवाब नहीं मिलता तो उसका फिर दूसरा एक सफर शुरू होता है, उसके अंदर का नायक जागता है। हर इंसान के अंदर एक नायक है, एक खलनायक है, एक कॉमेडियन है, एक डरपोक इंसान है। कई बार आपके, आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मौके आते हैं कि आपको चूज करना पड़ता है, आपको चयन करना पड़ता है कि मैं किस तरफ जाऊं, और वो चयन आपको आपका हीरो दिखाता है, आपका विलन दिखाता है, आपका ये एक माइलस्टोन है। सावधान इंडिया जैसा शो जो सक्सेस आज देख रहा है, इट्स ओनली बिकॉज वो लोगों को इतने अच्छे मैसेजेस पहुंचाते रहते हैं थ्रू द शो, लोगों को इतना सतर्क रखते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आजकल हमारे सारे सराउंडिंग्स आर वेरी वेरी अनसेफ, लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग अटैक्ड। सो सावधान इंडिया इज डूइंग अ ग्रेट जॉब सबको एक चेतावनी देकर, बस हालांकि वही कर सकते हैं, बट जिस तरीके से दर्शाते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। सो कंग्रेचुलेशन सावधान इंडिया, 1500 एपिसोड्स, 4 years, वेरी प्राउड। नॉट रियली, थैंक गॉड, थैंक्स टू सावधान इंडिया, मैं बची हुई उन चीज़ों से। यस ऑफ कोर्स, हेल्प ज़रूर किया। एक 90 साल की औरत थी और बिल्कुल ही डिसल्यूजन थी, उसे पता नहीं था कि वो कहाँ है, उसे कहाँ जाना है, और वो रास्ते पे ढूंढ रही थी। तो पहले तो मैंने पूछा आपको कहाँ जाना है, उन्हें याद नहीं आ रहा था।
फिर मैंने उन्हें पूछा कि आपको कुछ खाना है, उन्होंने मना किया. मैंने बोला आपको पैसे चाहिए घर जाने के लिए, बोला मना किया. फिर मैं उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर गई ऑफ द लोकल एरिया, और जैसे ही मैंने एंटर किया तो पुलिस ने कहा कि हम इन्हीं को ढूंढ रहे थे. सो गुड यू गॉट हर हियर. सो आई थिंक आई डिड वन गुड डीड एंड सेव्ड माय कर्मा. बिल्कुल टाइम नहीं लगा बिकॉज मैं शूट से आ रही हूँ. सो आई जस्ट क्विकली हैड टू चेंज इनटू माय आउटफिट एज यू कैन ऑल सी. गॉट इट? थैंक यू सो मच. थैंक यू. खुश होने का माहौल है. और वैसे तो हम रियल लाइफ जो हीरोज होते हैं, हीरोइंस होते हैं, उनके लिए गाने बनाते हैं. आज हमें पता चला कि रियल लाइफ हीरोज के साथ हम एक मंच पर खड़े होने वाले हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य. लोगों के उस जज्बे को पहचान सकें, उसको एक्नॉलेज कर सकें जो भीड़ में खोए रहते हैं, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम जो कर रहे हैं, जो लोगों की ज़िंदगी पर असर डाल रहे हैं. बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर वो जज्बा है कि वो उनके आसपास की दुनिया को ठीक करना चाहते हैं. उनको किसी रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी नाम की ज़रूरत नहीं है, बट उनकी ये ज़रूरत है कि उनको लोगों की ज़िंदगी को ठीक करना है. वो अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं. तो ऐसे आम आदमी के अंदर जो एक हीरो होता है, एक नायक जो होता है, उसको एक्नॉलेज करने के लिए, उसको सम्मान करने के लिए, उसको एक पहचान देने के लिए हम यहाँ आए हैं, और वही हम प्रोग्राम में करने वाले हैं. मदारी का सब्जेक्ट कुछ वैसा ही है कि कैसे एक आम इंसान जो अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसके सामने जब कुछ ऐसे हालात बनते हैं तो उसे कुछ मुश्किल सवाल पूछने पड़ते हैं, और जब मुश्किल सवाल पूछने पड़ते हैं तो कैसे उसको उसका पूरी कहानी अनफोल्ड होती है. कई बार कई जगह लोगों को देखा है, जहाँ जहाँ हम अलग अलग जगह पर घूमते हैं शूटिंग के सिलसिले में, या वैसे भी जाते हैं तो पता चलता है कि लोग हमें टीवी और बारों से कई बार पता नहीं चलता, लेकिन वहाँ जब लोगों से मिलो तो पता चलता है कि कई लोग इस तरह के काम कर रहे हैं और वो लोगों की ज़िंदगियों को सुधार रहे हैं. अच्छी बात है ना. आई वुड ऑल्सो लव टू वर्क विद हर. हम वेट कर रहे हैं, आप जो स्क्रिप्ट लिखोगी वो भी उसका वेट कर रही है. सर कौन सा आप जिस दिन स्क्रिप्ट लिखेंगी वो उसी का वेट कर रही है, मैं भी वही वेट कर रहा हूँ. तो आपको ऐसा वैसा रोल थोड़ी लिखेंगी जब आप लिखेंगी तो फीमेल ओरिएंटेड होगा तो आप करना चाहोगे? वो तो जब आएगा तब कौन सा ओरिएंटेड है हमें क्या पता. हाँ हाँ बिल्कुल. वो एक हिंदुस्तानी सिनेमा का नया स्वरूप है जो कि जिसमें कि ये पावर है कि वो यूनिवर्सल ऑडियंस को एड्रेस कर सके, एंटरटेन कर सके, और हमारी हिंदुस्तानी फिल्म की अभी ज़रूरत है कि हम ऐसा सिनेमा बना सकें जो यूनिवर्सल ऑडियंस तक पहुंच जाए. जैसे कि वेस्ट का सिनेमा हमारे यहाँ आ रहा है और हमारे
जो है बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, ऐसी हमें ऐसी फिल्में चाहिए जो कि दुनिया भर में घूम सकें और जो हमारे इंडस्ट्री का परसेप्शन बदल सकें। तो सैराट में बहुत खुशी है मुझे कि मराठी सिनेमा से हर साल कोई ना कोई एक बहुत कमाल की फिल्म आ रही है और ये कई सालों से हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये दौर चलता रहे और नई जनरेशन आके सिनेमा का स्वरूप बदल दे। आपने देखी है सैराट? जी मैंने देखी है। पूरी फिल्म पसंद आई है, उसमें एक एक्टिंग गुरु मतलब फिल्म के साथ ना इंसाफी होगी, पूरी फिल्म बहुत खूबसूरत है और नए किस्म की फिल्म है और ये हमारे आने वाले समय का ये है मनोरंजक सिनेमा जिसमें कि जिसका एक लैंग्वेज नया लैंग्वेज नई जबान है। जी और कौन से प्रोजेक्ट्स? और तो काम मिल नहीं रहा, मुझे वेट कर रहा हूँ मैं। खुश रहो, अच्छी फिल्में देखते रहो और जय हिंद। क्या जज्बा है इनका, जिनको पंजाबी शायद थोड़ी कम, मुझे लगता है जज्बा समझाने की जरूरत नहीं होती है, भाषा सिर्फ ताकत मानते रहे। सिर ते हौसला होया, जो हौसला होया भी मैं साथ दूंगी, किसी भी किसी भैन भाई ना किसी मजदूर ना लड़ाई होगी साथ करूंगी। साथ दी बहुत, साथ अपने भाई बहनों का, समाज का, दोस्तों का, अपने बच्चों का बहुत ज़रूरी, और एक जज्बा, इनकी मंजिल, इनका जज्बा और इनको सब पूरे समाज का जो साथ है, हम आपको बहुत बहुत आभारी हैं कि आज आप हमारे साथ हैं। साड़ी कहानी सुनी ते सानू मेरे बंदे की बहुत इज्जत की। शुक्रिया जी, थैंक यू। दलबीर जी मैं अब आपसे कुछ पूछना चाहूँगी, आपका सफ़र भी बहुत बहुत मुश्किल रहा, आपकी हमने पूरी जर्नी देखी है और मुझे लगता है कि कहीं आज मुझे सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मैं भी घरेलू अहिंसा के शिकार हूँ, मुझे भी रोका जाता था कि मैं अपने भाई के लिए आगे नहीं बढ़ूं, मैं बात नहीं करूं, मैं जाऊं नहीं, मैं सिर्फ अपनी घर गृहस्थी में उलझ के रह जाऊं, कोई जिए या मरे मुझे इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए। स्टीम इंजन की तरह जो आगे चलती रहती है, ऐसी शख्सियत यही देखिए, इन्हें कभी मायूस नहीं होती है, इनको ना बोल दो तो कहीं और जाके कुछ करेंगी, पर कुछ ना कुछ करती रहती है। इनकी दृढ़ता देख के मैं तो बहुत ही मतलब अपने आप को बहुत छोटा समझने लग गया हूँ। जितने भी यहाँ पे बहादुर लोग हैं, ये जो फिल्मों के पर्दों पे जो हीरो आते हैं उनको सब जानते हैं, पर जो असली हीरो हैं, जो असली काम करते हैं और जो असली ना किसी फेम की चाह से ना किसी नाम की चाह से बस एक संकल्प से एक मुद्दे को लेके जो लड़ते हैं, उनको मेरा बहुत बहुत सलूट। और ये जो सम्मान आप दे रहे हैं सावधान इंडिया से, ये मेरे ख्याल से उनकी बहुत बड़ी हौसला अफजाई होगी और उन सब के लिए बहुत 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 मुबारक और बहुत काम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रणदीप, थैंक यू जी। ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता ये ऐसा होगा दोबारा आएगा।
वेलकम बैक टू फेयर एंड हैंडसम प्रेजेंट्स सावधान इंडिया सम्मान, जहां आज सम्मान सम्मानित किया जा रहा है रियल लाइफ हीरोज। दिव्या, हम सब एक क्राइम फ्री समाज चाहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो नहीं पा रहा है, जानती हूँ। वेल, मुझे तो लगता है कि हर आम इंसान यही सोचता है कि जुर्म रोकना सिर्फ पुलिस का काम है। करेक्ट है, जुर्म रोकना पुलिस का काम है, तो क्या हमारा काम सिर्फ जुर्म होते हुए देखना है? मैं तुम्हें और हमारी ऑडियंस को कुछ दिखाना चाहता हूँ। अभी 3-4 दिन पहले हमारी सावधान इंडिया टीम ने एक छोटा सा टेस्ट किया। दरअसल मैं देखना चाहता था कि हमारी जो जनता है वो कितनी जागरूक है। जब उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो क्या करते हैं? चलते हैं, कुछ शूज खा लेते हैं। मीठ, ये भी मीठी, वो भी मीठा। पानी का, अरे पैसे नहीं। पानी मैंने बोले, एक्सक्यूज मी। क्या बोलेंगे? हमारे बीच इरफान है, और जो कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एक्टर और इंसान। आपने एक बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो देखा जो कि एक एक्सपेरिमेंट रहा है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? डिस्टर्बिंग है, बट आपको लगता है कि ऐसे लोगों को सिर्फ तमाशबीना बनकर आगे आना चाहिए, और क्यों रुकते हैं? आई थिंक लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं, लोगों में यूनिटी का एहसास नहीं। हर आदमी अपने अपनी ज़िंदगी जीने में लगा हुआ है, उसको लगता है कि मेरा भला हो जाए, बाकी तो दुनिया चलती रहती है। हमें जब तक ये समझ में नहीं, यू नो,
आग लगे बस्ती में, आप रहो बस्ती में, आग लगे बस्ती में, वैसा एटीट्यूड एक आ जाता है। और इसका बहुत बड़ा जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हमारा समाज ऐसा नहीं था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये कंज्यूमर कल्चर से है, जहाँ के हमें इंट्रोड्यूस किया गया है कि यूज एंड थ्रो, आप किसी चीज़ को यूज़ कर दीजिए और थ्रो कर दीजिए। साइकिल का हमसे जो हमारे हमारे हमारी सोसाइटी थी, जो कि जिसका जो कि साइकिलिंग थी, जिसका कि साइकिल से लेना देना था, वो सिर्फ यूज एंड थ्रो पे नहीं थी हमारी सोसाइटी। ये एक ऐसा ही चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी गई है कि आप अपना अपना मकसद निकाल लीजिए और अपने रास्ते चले जाइए। आपको लगता है इरफान कुछ किया जा सकता है इसके बारे में, जैसा ये सिचुएशन है? आई थिंक अवेयरनेस इज द बिगेस्ट थिंग, एंड आई थिंक जो ये शो काम कर रहा है, आपको गर्व होता है, आपको इस तरह के फंक्शन में अच्छा लगता है, तो लोगों को आप अवेयर करा रहे हैं, लोगों में हिम्मत दे रहे हैं, लोगों को पॉसिबिलिटीज दिखा रहे हैं, लोगों को एक हीरो की नई डेफिनेशन दे रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। जो आगे आके जिसने मदद की, मैं आप सबसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ, मैं कि आज के बाद आप हमारे जाके पता जरूर कीजिएगा कि क्या हो रहा है। ये हमारी ड्यूटी है और मुझे लगता है कि ये हर आम आदमी की जिम्मेदारी है। इतना प्रॉमिस दे सकते हैं आप? यस सर, प्लीज गलत जोर से। और किसकी जिंदगी आपका बचा देंगे शायद आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो आज एक प्रण लीजिए कि जरूर सावधान रहेंगे, अपने आसपास के लोगों को एक मदद का हाथ जरूर देंगे। जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम जी, चलो चलो चलो। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं शो भी देखता हूँ और उससे काफ़ी क्या कुछ हो रहा है हमारे देश में उसकी तरफ काफ़ी इशारा किया जाता है। और ये सम्मान अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसके होने से लोगों का और साहस बढ़ेगा और लोग हीरोइक काम करेंगे, क्योंकि किसी को भी कुछ रिकग्निशन मिलती है तो उससे हौसला अफजाई होती है। और मेरे ख्याल से ये बहुत एक अच्छा तरीका है उन साइलेंट हीरोज की हौसला अफजाई का, जो कि एक मकसद को लेके बिना किसी नाम शोहरत या पैसे की वजह से उसको लेके, कॉज को लेके उसके पीछे पड़ के उसको एक अंजाम तक लेके आते हैं, दूसरे लोगों की मदद करते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत एक अच्छा स्टेप है उसकी तरफ। अच्छा, ये मंच तो आपने काफ़ी बड़ा कह दिया, काफ़ी बड़ा मंच है, तो इस मंच का हिस्सा बन गया, शाम का हिस्सा बन गया, आप कैसा लगा? बहुत बहुत बढ़िया लगा, मैं अपने आप को काफ़ी छोटा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े जो दिग्गज हीरोज़ को जिनको आज सम्मान दिया जा रहा है, जो कि रियल लाइफ हीरोज़ हैं, हम तो सिर्फ पर्दे पे हीरोज़ हैं, तो मुझे काफ़ी छोटा महसूस हो रहा है और एक प्रेरणा मिल रही है कि मैं भी कुछ आगे लोगों के सिवाय एंटरटेनमेंट की उनके लिए कुछ करूँ। किस टाइप का हादसा यार? बहुत अलग अलग टाइप के हादसे हैं। जी 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 जी, नहीं ऐसा बिल्कुल, वो मुझे शर्म आती है अपने देशवासियों पे कि एक घंटे तक उस लड़की को छेड़ते रहे और कोई आगे नहीं आया। जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे तो कोई ना कोई आगे आके उसके दो चार कान पे लगा ही देता, और वैसा ही करना चाहिए। आपको आप पहल करेंगे अगर ऐसी सिचुएशन में, अगर आप पहल करेंगे तो आपके आसपास जो लोग जिन साहस नहीं उठा पा रहे हैं, जो पहला कदम नहीं उठा पा रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा और वो ज़रूर आपके साथ जुड़ेंगे। और ये मेरे ख्याल से पहल करना, हमको क्या लगता है कि हमने कर दिया और कोई हमारे साथ नहीं आया, उन लोग हम पे भारी हो गए तो क्या होगा? पर जिसके साथ जो अत्याचार हो रहा है, वो आपकी बहन बेटी माँ, वो भी तो हो सकती है, उनके साथ भी तो हो सकता है, तुम्हारे खुद के साथ हो सकता है। तो अगर आप पहल करेंगे तो कहीं ना कहीं जो कर्मा जो चीज़ होती है वो आपकी तरफ भी आएगी और दूसरों का साहस बनेगा। ये बात सुन के मेरे ख्याल से ये सावधान इंडिया का जो ये शो है उससे काफ़ी लोगों को पहली चीज़ तो अवेयरनेस आती है। जिस जिसने भी ये भी देखा होगा उनको लगा होगा कि काश मैं वो हीरो होता जो कि आगे आया था और उसने बचाने की कोशिश की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, यस यस। बहुत बहुत अच्छा फील हुआ। मेरे ख्याल से ये कहानी बताने वाली थी
और उसके अंदर सरबजीत के साथ जो जेल में हुआ वो लोगों तक पहुंचना ज़रूरी था. मैंने जो भी इस रोल को करने की कोशिश की थी और सफल हुई है, लोगों को अच्छा लगा है, पर जो उस इंसान पे 23 साल तक बीती थी उसको तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता. जो एक डेढ़ महीने में ही जो मेरी हालत हो गई थी उसकी प्रिपरेशन में, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता. और उससे भी ज़्यादा जो उनकी बहन की जो स्ट्रगल थी, जो आज आई थी हमारे साथ दलवीर कौर जी, मैं नहीं जानता किसी एक ऐसी औरत को जो कि इतनी दृढ़ निश्चय वाली एक हस्ती हैं, कभी मायूसी फील नहीं करती कभी भी, और हमेशा इतना कुछ ट्रेजेडी होने के बावजूद और इतनी लंबी लड़ाई होने के बावजूद एकदम से हंसमुख हैं. और वो कभी आपसे वो पिटी आपकी उन्हें कभी नहीं चाहिए, वो आपकी पिटी नहीं लेती हैं. और अगर कोई किसी और को भी तकलीफ़ है तो सबसे ज़्यादा पहले आके वो खड़ी होती हैं. तो मेरे ख़्याल से दलबीर कौर बहुत बड़ी हीरो हैं, और उनके साथ उनके भाई का रोल करना और उनके सब उनको जानना रियल लाइफ में, उनसे जो इंटरेक्शन मेरी हुई हैं, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यपूर्ण मानता हूँ कि मेरे को ऐसी हस्ती के साथ इतना एक निजी रिश्ता बनाने का मौका मिला. थैंक यू. आप भी रियल लाइफ हीरो बन सकते हैं. आप डरिए मत, दूसरों की मदद करने की हमेशा कोशिश कीजिए और जाके सरबजीत देखिए. थैंक यू वेरी मच. यानी कि लालच. स्लॉथ यानी कि आलस. लस्ट यानी कि लालसा. हेट्रेड यानी कि नफरत. रॉक गुस्सा, क्रोध, आक्रोश. होती है तो सिर्फ अच्छाई की. I'm not the only one.
लोग रूम में चलो, रूम में आ जाओ, नहीं बाकी है तुम्हारा, हो गया नहीं बाइक बाकी है, जल्दी चलो। हेलो एवरीवन, दादा मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे इस स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिला। इन रियल लाइफ हीरो से मिलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सम्मान है। मैं चाहूंगी कि सभी सम्मानित हीरोज और हमारे सभी एंकर्स एक बार प्लीज स्टेज पर आ जाएं। थैंक यू। लिया हुआ है तुम्हारे लिए। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो सोना बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम चाहते दिल पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। मुश्किलों से मुस्कुरा के और संघर्षों से सर उठा के मिलता है, उसे दबाओ चाहे कुछ तो मस्त रहता है, बस उसके घर को हाथ मत लगाना, वहाँ उसका कोई अपना रहता है। आम आदमी के खास जज्बे को सलाम, सावधान इंडिया सम्मान। थैंक यू। सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। कम ऑन म्यूजिक। बहुत ही वन ऑफ अ काइंड एक नॉवल और एक ऐसा प्रोग्राम आयोजित किया है उन्होंने जिसमें आई फील वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ। आई थिंक मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि यू नो ऑल दीज वी प्ले ऑल दीज हीरोज एंड हीरोइंस ऑन स्क्रीन ऑल द टाइम एंड एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इज जस्ट एक्टिंग, बट दीज पीपल एक्चुअली गो आउट देयर इन द सोसाइटी एंड फाइट फॉर पीपल लाइक अस, पीपल लाइक यू एंड मी। कभी कभी हम रस्ते से गुजर जाते हैं, किसी पे कुछ बुरा हो रहा होता है किसी के साथ, या कुछ इलीगल हो रहा होता है, या ईव टीजिंग हो जाए, या फिर रॉबरी हो जाए, या फिर कोई मारपीट हो जाए, तो हम रुकते नहीं, या इवन एक्सीडेंट भी हो जाए तो भी हम रुकते नहीं। ऑल दीज पीपल एक्चुअली गो आउट देयर इन द सोसाइटी एंड आई थिंक इस शो से एसोसिएटेड होकर मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज सुनी जो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल और मूविंग है। एक्चुअली देयर वॉज वन गाय हु एक्चुअली जिन्होंने एसिड विक्टिम्स को बहुत ज़्यादा हेल्प की, या एक्चुअली मैरिड वन ऑफ द एसिड विक्टिम्स और एक्चुअली लखनऊ रहे, वेर इज़ इट यू डोंट नो, सो दर इज एक्चुअली आई थिंक इन लखनऊ सम प्लेस इज एक्चुअली ओपनड शी रोज, आई रिमेंबर द नेम ऑल्सो कि शी रॉक हर शी रो सो शी रॉक्स सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड शी रोज एंड सारे एसिड विक्टिम्स जितने हैं वो चलाते हैं। एक आई रिमेंबर दिस इंसिडेंट जहाँ पे एक रास्ते में कोई आदमी किसी के साथ कुछ किसी को मार कर बुरी तरह से उसका सब कुछ मतलब छीन लिया गया था उनसे, एंड देन ही डिसाइडेड कि ऐसा किसी के साथ नहीं होगा, ऐसा भी मेरे साथ हुआ है, तो ही स्टार्टेड एक्चुअली मूविंग अराउंड विद अ बैट एंड ही यूज्ड टू गो एंड ही यूज्ड टू बीट एवरीबडी अप हूएवर वाज डूइंग द सेम थिंग। सो आई एक्चुअली फील वेरी गुड टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस एंड
ऐसे नहीं कि हर जगह डांस लाइक आई डांस एवरीवेयर एंड आई लाइक टू डांस दैट्स व्हाई आई डू दैट बट आई एक्चुअली फील वेरी वेरी हैप्पी टू एक्चुअली कम ऑन स्टेज आई फील वेरी ऑनर्ड कि मुझे इन लोगों ने यहाँ पे बुलाया है आज इन सब लोगों को सम्मानित करने के लिए थैंक यू जी जी वेल माई फेवरेट फेवरेटेस्ट कोरियोग्राफर पुनीत जे पाठक इज कोरियोग्राफिंग दिस इवेंट सो अगेन आई थिंक मुझे ध्यान में रखकर और सेवन सिंस को ध्यान में द थीम ऑफ द एक्ट इज द सेवन सिंस एंड व्हेन यू ओवरकम द सेवन सिंस इट इज एक्चुअली अ प्लेस वेर इट्स ऑनेस्ट एंड प्योर एंड फुल ऑफ लव सो दैट इज़ व्हाट माई एक्ट मीन्स एंड तो बहुत अच्छा लगा परफॉर्म ऑनेस्टली आई बिन वेरी लकी यू नो कि ऐसा कुछ इतना हुआ नहीं है बट आई डू रिमेंबर कि दिल्ली में पढ़ती थी मैं सो दिल्ली इज़ नॉट अ वेरी वेरी सेफ प्लेस फॉर वुमेन अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से दिस इट्स अ वेरी गुड स्टूडेंट्स लाइक स्टडीज इज वेरी गुड द एकेडमिक्स इज वेरी गुड बट इट्स वेरी अनसेफ फॉर वुमेन टू एक्चुअली वॉक ऑन द रोड्स इन द नाइट एंड स्टफ सो येस वन और ट्वाइस आई थिंक समबडी हैज़ पास सम कॉमेंट्स बट आई हैव इमीडिएटली लकीली देयर वाज चेक नाकाज एंड आई टू ऑलवेज रिपोर्ट देम I've slapped many in my life, in Delhi only. I have never been the kind who gets scared or anything. Kabhi kabhi mujhe itna aise hi bola jata tha ki, you know, calm down, shant ho jao, itna mat kya karo, you know, you're a girl. And But I think, wo log zyada affected hote jo kuch karte nahi hai. Wo apne man mein rakke and they feel that, un logo ko dar lagta hai bolne ke liye bhi. They think that if they say that they've been teased by a guy, लोग उन पर क्वेश्चन करेंगे कि तुमने क्या पहना था तुम क्यों जा रही थी रात को इतनी रात को तुमको क्यों लगा कि तुम अकेली लड़की होकर ऐसे जा सकती हो क्यों नहीं जा सकती आई मीन रोड उन लोगों का थोड़ी ना स्पेशली उन बुरे लोगों का थोड़ी ना है जिनकी सोच बुरी है सो येस एंड आई येस ओ माई गॉड आई डू रिमेंबर सो दिस इंसिडेंट हैपन इन कमला नगर मार्केट इन डेली एंड आई थिंक गाय वॉज पासिंग इन अ बाइक एंड यू नो दे मी दिस मी एंड माई फ्रेंड वॉकिंग एंड दे ट्राई टू ग्रैब अस I actually kicked the bike and because Kamala Nagar mein bahut bheed hoti hai to wo ja nahi paya and because I kicked it just slided I felt so happy I have never felt so happy with somebody getting hurt so my real hero is and will always be my father for my own reasons and the fact that he was the most honest and loving and caring man that I know and I think fans se sabhi viewers se jo bhi dekh rahe hain aaj yehi bolna chahungi ki bura karne wala utna hi bura hota hai utna hi responsible hota hai jitna ki bura sehne wala so awaaz uthaiye it doesn't take much I think what it takes is a little bit of courage and for you to be honest so go out there if you see something the least you can do is help someone out in a situation if you can't if you don't have the courage to do that at least report the problem at least go to your nearby police station pick up your phones aajkal hum sab itne zyada media savvy ho gaye hain aur social sites pe hote hain why can't we use all these platforms for something good so I think we all can do our bit I for a fact I can be very very honest about that ki kuch wrong ho raha ho ya bura ho raha ho mujhse nahi dekha jata chahe I think I have got into a lot of problems also because of that But my father never asked me not to do the right thing. So I'll also request you to go out there and do the right thing and be with truth, the truth, the honesty. Thank you. Thank you. Thank you. See, ये बहुत first time हो रहा है और first time ही मैं यहाँ पर इसका हिस्सा ही नहीं बल्कि जब मैंने perform भी किया और मुझे इस event के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था but यहाँ पर आने के बाद जब मैंने सभी real heroes की जब story रियल में बैठे बैठे सुनी तो मैं काफ़ी इंस्पायर हो गया क्योंकि रास्ते में कभी भी मैं ऐसा देखता हूँ कि कभी किसी की गाड़ी किसी को ठोक दी तो उतर के सीधे झगड़ा या फिर कभी किसी लड़की को कोई छेड़ रहा है ये वो तो अभी जैसे आप लोगों ने आई थिंक प्रैंक किया था ये समान इंडिया बॉर्ड्स वालों ने तो वहाँ पर एक रियल में एक बंदा आके बचा रहा तो मैं उस सारी चीज़ से अभी इंस्पायर हो चुका हूँ यहाँ पर रह के और मैंने सिर्फ रियल हीरोज़ के सामने सिर्फ एंट्री ही नहीं मैंने यहाँ पर परफॉर्म भी किया और उस परफॉर्मेंस में भी एक मैसेज था कि एक बच्चा भी बुराइयों को हटा सकता है अगर आप एकजुट हो जाओ तो सो मैंने बहुत यहाँ पर एंजॉय किया और अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आई थिंक मेरे रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है और मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा कुछ हो भी नहीं मेरी क्या किसी भी लाइफ में भी ना हो अगर इन केस होता है तो
जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ उनकी हेल्प करें, क्योंकि जब वो सिचुएशन में रहते हैं उन्हें को समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं, तो बस उनकी हेल्प करें। अगर मेरे सामने अभी कभी ऐसा होगा तो बिल्कुल मैं छोटा हूँ लेकिन मैं अपना एफर्ट डाल दूँगा। भगत सिंह सर, बस मैंने वही मैसेज दिया हर बार की तरह, आप मुझे प्यार करते हैं, हमेशा करते रहे, ताकि मैं आपके सपोर्ट से ऐसे ऐसे इवेंट्स में आता रहूँ और अच्छे से परफॉर्मेंस दे के आप लोगों को खुश करता रहूँ। और जितना प्यार आप मुझसे करते हैं उतना ही प्यार हमारे जो भी देश में लोग हैं, स्पेशली लड़कियाँ गर्ल्स, उनसे भी मतलब उनको उन्हें सपोर्ट करें। तो बस यही मैसेज है, आप लोग खुद को भी सेफ रखें और खुद लोगों को भी सेफ रखें। थैंक यू।